हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा लाख का घर पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके, और इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, कुराह मतलब बुरी राह पर या बुरे कर्म कर रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। मतलब जब पांडु की तो अकाल मृत्यु हो गई थी, और उस समय जब पांडु की मृत्यु हुई थी तो पांडव पुत्र जब बच्चे थे, तो इस कारण उसके भाई धृतराष्ट्र को राजकाज संभालने के लिए दे दिया गया था। और अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, और तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है, ऐसे उनकी प्रजा बोलती थी। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। कौन? दुर्योधन उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिकों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझा कर वारणावत भेज दे दो, नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे।
आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी, और उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शिखरगामी रथ पर बैठकर पुरोचन, शिखरगामी मतलब जल्दी से चलने वाला या पहुंचाने वाला रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली, मतलब जो ये चीज़ें थी ना, सन, घी, मोम, तेल, इनमें जल्दी आग लग सकती थी और जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह भी थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडवों को जलकर पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई दोष न लगा सके। यह दुर्योधन ने योजना बनाई थी कि लाख के घर में आग लगा देंगे जिससे पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। अगर लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।